दोस्तों कलर 2 की चौथे वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है और आज आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा है इसका 20वें दिन कलेक्शन कितना हुआ और एक और जो ताज था रजनीकांत के सर पे वो सनी देओल ने गदर 2 के माध्यम से छीन लिया है। गदर 2 मंगलवार को कमाई करके सोमवार से ज्यादा कमाई करके मंगलवार को ये ऐसा लग रहा है कि अब ये दो दिन खूब अच्छी रफ्तार पकड़ेगी और बढ़िया कमाई करके दिखाएगी और मंगलवार की कमाई से पता लगता है कि ये अपना रंग जमाने वाली है। देखो आज रक्षाबंधन है, आज यकीनन गदर 2 को जमकर फायदा होने वाला है और आज देखना ये है कि आज कितना फायदा उठाती है गदर 2 और इसका फायदा एक बात बता दूं आपको, तब तक फायदा उठाती रहेगी जब तक सिनेमाघरों में जवान रिलीज नहीं होती। और आपको बता दूं ये फिल्म के लिए मौका है 7 सितंबर तक मैदान में अकेला खिलाड़ी की तरह जितने सारे रिकॉर्ड तोड़ना है तोड़ ले और यकीनन 7 सितंबर से पहले ये फिल्म बहुत सारे रिकॉर्ड खड़े करेगी। और वहीं पर ट्रेड एनालिस्ट की माने तो भाई ऐसा मंगलवार को ना जो कमाई इसने की है सोमवार से ज्यादा कमाई की है और आपको मैं बता दूं तीसरे मंगलवार को इसकी कमाई है 5.10 करोड़ रुपए और सोमवार की जो इसकी कमाई थी 4.60 करोड़ रुपए। मतलब दूसरे दिन पहले से ज्यादा कमाई करना ये बहुत ही अच्छे संकेत है गदर 2 के लिए। गदर 2 11 तारीख को रिलीज हुई थी, 11 तारीख लेके अभी तक मतलब आज जो रक्षाबंधन है इसकी कमाई आपको कर बताऊंगा लेकिन अभी तक उसकी टोटल कमाई हो गई है 465.75 करोड़ रुपए। और दूसरा रिकॉर्ड इसका भाई साहब ये है, जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो गदर 2 अच्छी कमाई कर रही है, अब ये 500 करोड़ के लमसम पहुंच चुकी है। दो दिन और रुक जाओ 500 करोड़ रुपए ये फिल्म आराम से कमा लेगी और इसके बाद दिन वो आ जाएगा जिसका लोगों को इंतजार है। इंतजार लोगों को ये है कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं, तो उसके लिए आपको 7 दिन और रुकना पड़ेगा। एक तरफ गदर 2 बॉक्स ऑफिस पे जलवा बिखेर तो रही है, साथ में IMDb रेटिंग में भी जलवा बिखेर रहे हैं इसके सितारे। वो जलवा ये है कि सनी देओल भाई रजनीकांत आपको पता है जेलर मूवी रिलीज तब से वो सुर्खियों में है, इंटरनेशनल मूवी 600 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। वहीं पर एक ताज था जो रजनीकांत के सर पे था, अब वो ताज सनी देओल ने खींच लिया है अपने सर पे पहन लिया है। वो ताज ये था पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटी में सनी देओल चौथे स्थान पर और अमीषा पटेल 7वें स्थान पर है और उत्कर्ष शर्मा जो सनी देओल का बेटे किरदार निभाया था वो 9वें स्थान पर है और गदर 2 के फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा वो है 11वें स्थान पे। और वहीं पे जेलर की स्टार कास्ट भी अच्छी खासी होल्ड बनाई हुई थी, रजनीकांत पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में 6 नंबर पे थे। अब आपको पता है सनी देओल कौन से पोजीशन को होल्ड किया है, उन्होंने होल्ड किया है 4th नंबर का पोजीशन। मतलब इस मामले में सनी देओल रजनीकांत पे भारी पड़ गए। देखो ये गेम है ना पॉपुलरिटी का है, कभी कोई एक रैंक ऊपर जाए कोई नीचे आएगा, कभी आगे जाए कोई पीछे जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि कौन सी फिल्म कितनी अच्छी कमाई करती है। तो फिलहाल जो दिख रहा है भाई साहब वो गदर 2 बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही बढ़िया कमाई करते हुए दिख रही, अगले 7 दिन तक ये बहुत ही अच्छी कमाई करेगी, कम से कम तब तक जब तक जवान रिलीज नहीं होती। तो दोस्तों ये रही बात गदर 2 की, जेलर की रजनीकांत की। अब बात करते हैं ड्रीम गर्ल 2 पे कि इसकी फिल्म कितनी कमाई कर रही है। देखो ड्रीम गर्ल 2 ने पहले दिन कमाई जो की थी वो 10.69 करोड़ रुपए की थी, दूसरे दिन उसने कमाई की 14.2 करोड़ रुपए और तीसरे दिन 16 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने चौथे दिन कमाई की 5.42 करोड़ रुपए। अब बात कर ले कल की कमाई कितनी थी भाई साहब, ड्रीम गर्ल की कमाई थी कल की 5.87 करोड़ रुपए और इसका टोटल कमाई अब तक हो गई है आज तक 52 करोड़ रुपए। और ये फिल्म आज कितना कमाएगी वो आपको कल बताऊंगा और आगे कितना कमाएगी आपको बताता रहूंगा। बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।